हेलो स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो आप वैसे बोल सकते हो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करना कैसे क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं, अगर हम थोड़ा ओवरव्यू लें तो हम बात कर चुके हैं कि क्या डिटरमिनेंट होता है, रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं, और एलिमेंट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, और इसके अलावा हम बात कर चुके हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में। ठीक है, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो उसी से रिलेटेड है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का क्या डेफिनेशन होता है, देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। If elements of any row or column is multiplied with their corresponding cofactors, then obtained value is called value of determinant. Value of determinant भी बोल सकते हो, और answer of determinant बोल सकते हो, value of determinant बोल सकते हो, ठीक है, solution of determinant बोल सकते हो, ये सब बातें एक ही हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि अगर कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर एंड, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी, एंड एडिशन या एंड एड, ऐसे भी आप जो उनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना है, तो सम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा डिटरमिनेंट का। ठीक है, कैसे तरीके से, देखिए तो एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा था A1, ठीक है, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस कोई भी एक रो पकड़ लेनी है और कोई भी एक कॉलम पकड़ सकते हो, दोनों में से आपकी मर्जी है। तो चलिए आपको मैं ये वाली रो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा से, डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू हमको निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A2, तो हमने लिखा A2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, A2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कोफैक्टर से। तो सबसे पहली बात ये देखनी पड़ेगी, इस A2 का प्लेस क्या है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, -1 raised to the power i + j into mij, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आता होगा, यही फॉर्मूला हमको यूज करना। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इस एलिमेंट के लिए, A2 एलिमेंट के लिए ij का वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ जो भी एलिमेंट आता है उसका नाम होता है A21, ठीक है, सॉरी हाँ, इसका नाम होता है A21, यहाँ जो भी आएगा उसका नाम क्या होगा, A21। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, तो 2+1 हो गया 3 हो गया, इसका मतलब वैल्यू आएगा माइनस, ठीक है, माइनर लिखते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर लिखना बड़ा ही आसान है, ये रो को छोड़ दिया, ये कॉलम को छोड़ दिया, तो B1, C1, B3, C3 ये आ गया, ठीक है। दूसरा इसके बाद आ गया B2, पहले वाले जो एलिमेंट है उसका आपने काम कर दिया, मतलब उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके Cij से। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले का नंबर है 2, 2,
अगर आप आई और जे की ध्यान से आप बात करो तो वो उसका नंबर है 2, 2। 2, 2 है, इसका मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, तो ये प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन को माइनर लिखना है तो ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। जब आप ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो आंसर आएगा A1C1 A3C3, तो ये आ जाएगा A1C1 A3C3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा बच गया, C2 बच गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो C2 बच गया, तो आपने C2 लिखा। अब C2 का नंबर क्या है, I और J का नंबर क्या है C2 के लिए, तो आप बोलोगे सर C2 के लिए I और J का नंबर होगा, I का नंबर तो 2 रहेगा सेकेंड रो, J का नंबर हो जाएगा 3, यानी 2, 3, उस एलिमेंट का नाम है 2, 3। 2, 3 को सम किया तो आंसर कितना आ गया, 5, 5। 2 और 3 को सम किया तो आंसर कितना आ गया, 5, 5 आ गया, इसका मतलब वो फिर से माइनस आएगा, तो ये माइनस बन जाएगा। इसके लिए आपको इस रो को छोड़ना पड़ेगा, इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, बचेगा A1B1 A3B3, तो ये आ जाएगा A1B1 A3B3। तो ये जो चीज़ आपके सामने निकल के आई है वही क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर है, बस कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, शायद ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, दूसरी रो के लिए डेल्टा इज इक्वल्स टू, कोई बात नहीं है, अब की बार इस के लिए नहीं करेंगे, अपन क्या करते हैं इस बार हम कैलकुलेशन करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। डेल्टा उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं, वही डेल्टा रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर, C1 लिखेंगे हम, C1 लिखेंगे, तो C1 तो हो गया, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर के साथ में, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा इसका नंबर क्या है। तो आप बोलोगे सर इसका नंबर तो है, इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा 1, 3। 1, 3 का मतलब क्या हो गया, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, इसका नाम है 1, 3। ये एलिमेंट होता है एलिमेंट नंबर 1, 3, तो 1 + 3 किया तो प्लस आया, मतलब ये वैल्यू प्लस में आएगी। अब हमने क्या किया है, बस माइनर हम निकालना है हमको, तो ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम C1 की बात कर रहे हैं, तो ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो आंसर मिलेगा आपको A2B2 A3B3, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आ गया C2, तो अगर C2 एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये C2 एलिमेंट आपको दिख रहा है, तो इसका नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका नंबर थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला, वो तो 2 और 3 नंबर इसका आया था, 2 + 3 होता है 5, तो मतलब ये आएगा माइनस में, माइनस में आएगा, तो C2 के करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर पहले ही निकाला था, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को छोड़ा तो आ गया A1B1 A3B3, तो ये आ गया A1B1 A3B3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे A3B3, और क्या आ गया A1B1, ओके। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आ गया C3, तो आपने लिखा C3, C3 पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, इसका नाम है 3, 3, सॉरी तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका नाम है 3, 3, तो 3 + 3 तो 6 होता है, -1 की पावर 6 करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, याद होगा आपको फॉर्मूला, तो 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा, -1 की पावर 6, यानी इवन आते ही पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग दोनों को छोड़ दिया तो आंसर आ गया A1B1 A2B2, तो ये आ जाएगा A1B1 A2B2। तो बस ये जो वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको आगे ये भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2, 2 × 2 डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो A इज इक्वल्स टू आ गया A1B1 A2B2, ठीक है। तो वही मेथड अपन को लगाना, चाहे कितने भी क्रॉस कितने का ही हो, हमको तो एक ही मेथड लगाना है, क्या, कोई भी एक रो पकड़ लीजिए। तो हमने ये रो को पकड़ लिया, ठीक है, ये रो को अगर आपने पकड़ा है, मान लीजिए इस रो को आपने अंडरलाइन कर दिया, ये कॉलम को पकड़ लिया आपने, तो सबसे पहले लिखोगे A1, तो A1 का जो नंबर है, A1 का जो भी आप देखो I और J का नंबर है वो 1, 1 है, तो 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, -1 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव प्लस आएगा।
अब आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया क्योंकि अब आपको माइनर ढूंढना है, तो इसको छोड़ा तो ओनली क्या बच गया, बी टू, तो आपने ओनली बी टू लिख दिया। अब डिटरमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी टू एक सिंगल एलिमेंट है तो वो सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम किसके लिए करना है आपको, ए टू के लिए। तो अब आपने ए टू का नंबर देखा, तो ए टू का नंबर तो है रो नंबर टू कॉलम नंबर वन, यानी टू वन, इसका नंबर है टू वन, तो टू प्लस वन किया तो आंसर आएगा माइनस में, तो ये आ गया माइनस, माइनस वन रेस टू दी पावर टू प्लस वन किया तो आंसर आ जाएगा माइनस में। इसके करस्पॉन्डिंग दोनों को छोड़ दोगे तो ओनली क्या बच जाएगा, p1। तो a का वैल्यू आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर लेते हैं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट आएगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, दिस माइनस ये वाली चीज़, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस इधर से बी वन ए टू, ऐसे भी आप कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से, लेकिन फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते सर 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट में ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ये तो 3 बाई 3 वाले में ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। कौन सा फॉर्मूला, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट ए आई जे, या ऐसे बोल सकते हो, चलिए आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, और अच्छे से करके दिखाते हैं, ठीक है। तो वापस से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री एंड सोन ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, इस तरीके से ए टू एन एंड सोन ए एन वन ए एन टू, इस तरीके से ए एन एन, ठीक है। मुझे निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा अगर मुझे निकालना है तो आप क्या बोलोगे, सर कोई बात नहीं कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा क्या होगा, अगर मैं रो ले रहा हूँ, इस रो के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा ए वन वन सी वन वन, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करोगे उसी के पहले वाले एलिमेंट के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया प्लस, उसके बाद में आ गया ए वन टू सी वन टू, उसके बाद में आ गया अगला एलिमेंट ए वन थ्री सी वन थ्री एंड सोन, लास्ट में एलिमेंट क्या आ जाएगा ए वन एन, तो उसका कोफैक्टर भी क्या आ जाएगा सी वन एन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसी को कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। फिर कई बच्चे बोलते हैं सर अल्टरनेटिव साइन तो आपने लिए, इन्हें अल्टरनेटिव साइन आता है ना, बिल्कुल नहीं आता है, वो कोफैक्टर के अंदर अपने आप इनबिल्ड है, कोफैक्टर के साथ अपने आप बिल्ड। अगर आप माइनर के टर्म्स में लिखते तो आपको क्या लिखना पड़ता ए वन वन एम वन वन, फिर लिखना पड़ता माइनस ए वन टू एम वन टू। यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इनके एलिमेंट्स का जो सम है वो ओड है। अगर एलिमेंट्स के सम, एलिमेंट्स के जो सबस्क्रिप्ट हैं आई और जे, रो नंबर और कॉलम नंबर, उनका सम ओड आ जाता है तो आप क्या बोलते हो, वो माइनस में वैल्यू आएगी। अब इन दोनों का सम इवन है इसलिए वापस प्लस में हो जाएगा ए वन थ्री एम वन थ्री, ठीक है, एंड सोन, लास्ट में आ जाएगा माइनस वन रेस टू दी पावर वन प्लस एन, दोनों का सम वन प्लस एन आएगा, और साथ में आ जाएगा ए वन एन एम वन एन। तो माइनर के टर्म्स में आप जब लिखते हो तो प्लस माइनस आपको लिखना पड़ता है, बस कोफैक्टर के अंदर पहले से ही ये माइनस इनबिल्ड होता है, आई बात समझ में, इसीलिए हमको अलग से प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सारे ही प्लस में ही आएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, क्या सिग्मा, ठीक है, ए, अब सभी में वन तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे आपने वन लिखा और यहाँ पे एक बार के लिए आई लिख दिया, ठीक है, जे लिखो आई लिखो आपकी मर्जी है, और साथ में सी, पहला वन कर दिया दूसरा वाला भी आई कर दिया, और आपने बोल दिया सर आई को वन से लेकर एन तक ले जाइए। ये क्या चीज़ होती है, शायद आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन कर देना। तो पहले आई की जगह वन रखेंगे प्लस, फिर आई की जगह टू रखेंगे प्लस, आई की जगह थ्री रखेंगे, ऐसे करते करते आई की जगह एन रख देंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया है डिटरमिनेंट की वैल्यू का। तो ऐसा लिखा हो तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको बोलना है सर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू ही लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो करने वाला हूँ करस्पॉन्डिंग टू दिस
मान लीजिए मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो कोई बात नहीं, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैं निकाल देता हूँ डेल्टा, ठीक है, बोलता हूँ करस्पॉन्डिंग टू कॉलम नंबर टू, तो कॉलम नंबर टू के करस्पॉन्डिंग में निकाल, तो कॉलम नंबर टू के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा, तो आप ध्यान से देखिए इस बार कांस्टेंट कौन रहेगा, ये जो कॉलम नंबर टू है वो कांस्टेंट है। अब इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिग्मा ए, इस बार बदलेगा कौन, ये रो नंबर जो है वो बदल जाएगा, तो रो नंबर की जगह मैंने आई लिखा और कॉलम नंबर की जगह मैंने फिक्स रख दिया टू, तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा सी आई टू, जहाँ पे आई जाना चाहिए वन से लेकर एन तक, तो ये फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो अगर ये पूछा जाए, ये आपको दे रखा है और आपको ये पूछा जाए कि सर ये जो डिटरमिनेंट आपने लिखा है वो डिटरमिनेंट कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपने एक्सपेंड करके लिखा है, तो आप बोलोगे सर कॉलम नंबर दो के करस्पॉन्डिंग, इसमें रो नहीं है, कॉलम नंबर दो के करस्पॉन्डिंग ओपन किया है। इसको किसके करस्पॉन्डिंग ओपन किया है, हम बोलेंगे सर रो नंबर वन के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन किया है, कॉलम इसमें वेरिएबल रहेगा, इसमें रो वेरिएबल रहेगी। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। तो कितना भी बड़ा अगर डिटरमिनेंट आपको क्यों ना दे दिया जाए, आप उसकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई डेल्टा दे रखा हो, मान लीजिए वो है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और आपसे बोला गया कि बताइए डेल्टा को सॉल्व करिए, तो डेल्टा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपने A1 यूज़ किया, तो ये हो गया A1, A1 के बाद में प्लस आएगा कि माइनस, तो A1 प्लस में ही आता है हमेशा, पहला वाला एलिमेंट हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इधर से बन गया B2, B3, C2, C3। तो ये तो वैसे भी बच्चों को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इस तरीके से लिख रहा हूँ, अदरवाइज अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ पे बचेगा A2 माइनस में क्यों आया है, क्योंकि इसका नंबर माइनस वाला होता है, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस 1 रेस टू दी पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसको छोड़ दिया, यानी B1 B3 C1 C3 किसको छोड़ा है, ये रो को और ये कॉलम को हमने छोड़ दिया, ठीक है, सॉरी ये रो को और ये कॉलम को हमने छोड़ दिया, और प्लस में कितना आ जाएगा A3, क्योंकि कॉलम वाइज हम चल रहे हैं तो प्लस में आएगा ये, क्योंकि 3 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा आपका B1, B2, C1, C2 का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब वापस से ये 2x2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको बताया मैंने, ये हो जाएगा B2 C3 पहले इस तरीके से माइनस फिर इस तरीके से, यानी C2 B3 माइनस A2 तो बचा हुआ ही है, पहले इस तरीके से किया यानी B1 C3 और फिर कर दिया माइनस, तो हो जाएगा C1 B3, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा प्लस A3 तो है ही आपके पास, पहले इस तरीके से कैलकुलेशन B1 C2 और माइनस में इस तरीके से कैलकुलेशन C1 B2। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो डेल्टा कैलकुलेट करने का। तो ये तो सबको आता है, कोई बात नहीं, आपने सीख लिया होगा, पहले भी हम कर चुके हैं कैलकुलेशंस। तो इस तरीके से ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ JEE में जनरली 3x3 का ही काम आता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4x4 पूछ लेते हैं, इससे बड़ा नहीं आएगा ज़्यादा बड़ा, तो इस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहली बात सीखने को आपको क्या मिली, पहली बात ये सीखने को मिली कि सर कोई भी रो ले सकते हैं हम, कोई भी रो के करस्पॉन्डिंग ओपन कर सकते हैं, कोई भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम ओपन कर सकते हैं, इस पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये देखिए, तो एक डिटरमिनेंट मैं लिखता हूँ A1, A2, A3, ठीक है, चलिए 1-1 कर देता हूँ, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस तरीके से। तो पहली बात तो हमने क्या करी, ठीक है, अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट को, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट को, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से,
तो आंसर हमेशा डेल्टा आता है। तो पहली बात तो आपने क्या समझ में आई कि सर डेल्टा होता है ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू सी वन टू प्लस ए वन थ्री सी वन थ्री। इसका मतलब क्या है, जो आपने एलिमेंट लिया है, जो रो, पहले तो एक रो पकड़ लेनी है आपको, तो उस रो के जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसी के कोफैक्टर आपने साथ में लिए हैं, तो हमेशा क्या आएगा, डेल्टा। अगर आप ऐसा करते हो, इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, मतलब आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट तो किसी और रो के ले रहे हो और कोफैक्टर किसी और रो के ले रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, आपने एलिमेंट तो लिया है ए वन वन और आपने कोफैक्टर ले लिया सी टू वन, इसका कोफैक्टर ले लिया, प्लस आपने एलिमेंट तो लिया है ए वन टू और कोफैक्टर आपने इसका ले लिया टू टू, प्लस आपने एलिमेंट तो लिया वन थ्री और कोफैक्टर ले लिया टू थ्री, तो इस चीज का आंसर हमेशा ही कितना आएगा, जीरो। देन दिस वैल्यू विल बी जीरो, तो हमेशा ही इस वैल्यू का आंसर कितना आएगा, जीरो। जो भी आप कैलकुलेशन करके लाओगे इसका आंसर हमेशा ही जीरो आएगा, ठीक है। मतलब क्या याद रखना आपको, अगर जो भी रो या कॉलम भी कोई भी कॉलम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू, आपने इस कॉलम की बात करी तो आपने बोला सर ए वन वन सी वन वन लिया प्लस ए टू वन सी टू वन लिया और प्लस ए थ्री वन सी थ्री वन लिया, तो डेफिनेटली वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा की। आपको एक कॉलम आपने चूज किया और उसी के करस्पोंडिंग कोफैक्टर से उन्हीं के एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर डेफिनेटली आएगा डेल्टा। बट अगर आपने क्या किया, ए वन वन लेके सी, ए वन वन लिया और कॉलम ले लिया ये सी वन टू, मतलब इसका कोफैक्टर ले लिया या इसका कोफैक्टर ले लिया और आपने एलिमेंट ले रखे हैं पहले कॉलम के, प्लस आपने किया ए टू वन और कॉलम नंबर आपने किया ए टू टू, फिर आपने ए थ्री वन, मतलब एलिमेंट आपने ये लिया, कोफैक्टर लिया इसका ए थ्री टू का, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। तो कुल मिला के बात ये है, कोई भी एक रो आप अलग लेते हो और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के लेते हो, रो ही ध्यान रखना है, रो का रो में ही रखना है, कॉलम का कॉलम में ही रखना है, एलिमेंट आप लेते हो किसी एक कॉलम के और कोफैक्टर लेते हो किसी दूसरे कॉलम के, तो उनका सम हमेशा जीरो आएगा, क्लियर है। बट एलिमेंट आप ले रहे हो किसी रो के और कोफैक्टर ले रहे हो किसी कॉलम के, तो कुछ नहीं आएगा, इसके बारे में कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रहेगा। रो और रो मतलब एलिमेंट रो के, कोफैक्टर दूसरी रो के, आंसर जीरो आएगा। एलिमेंट कोई एक कॉलम, कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम का, तो भी आंसर जीरो आएगा। रो आपने वही लिए, ठीक है, कोफैक्टर भी उसी रो के लिए है, तो आंसर डेल्टा आएगा। कॉलम आपने यही लिया है और कोफैक्टर भी इसी कॉलम के लिए, तो आंसर डेल्टा आएगा। अब आपने एलिमेंट तो ले लिए कॉलम के और कोफैक्टर ले लिए किसी रो के, तो कुछ भी नहीं आएगा, ये हम नहीं जानते हैं क्या इससे आएगा, ठीक है, जनरली ये जीरो तो नहीं आएगा, क्लियर है। तो इसके बारे में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इन्हीं दो के बारे में ये फॉर्मूला हमेशा बनता है, ठीक है। तो शायद ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपन डेल्टा के लिए। तो आपसे बोला गया बताइए 1 2 3 1 5 2 0 -1 2, ठीक है, बोला गया डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले रखेंगे 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या, अच्छा पहला प्लस, अच्छा इसको ऐसे शॉर्ट टर्म में ऐसे भी याद करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है, बहुत बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, ये सही तरीका है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से प्लस से स्टार्ट करिए, प्लस जैसे ही आगे बढ़ोगे माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अल्टरनेटिवली आप बढ़ाते जाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है।
तो आप कहीं से भी घूम के आ जाइए, एक बार जिसका जो साइन आ जाता है उसका साइन वही आता है, ठीक है। और ऐसे नहीं कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए, जैसे ये होता है 2, 2, तो 2 + 2 हो गया 4, तो आई माइनस 1^4 यानी प्लस, तो वो भी अच्छा तरीका, ये भी अच्छा तरीका है, जैसे आप करना चाहो। तो कोई भी एक रो लेता हूँ मैं, इस रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका 1, सबसे पहले 1, इसको छोड़ दिया। यहाँ से अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे अपन, 5 × 2, इन दोनों का कैलकुलेशन होगा 10, -2 हो जाएगा, यानी बीच में हो जाएगा +2, ठीक है। दूसरा वाला एलिमेंट आएगा -2, दूसरा वाला एलिमेंट माइनस के साथ आएगा, इसको छोड़ा, ठीक है। 2 × 1 किया तो आंसर आएगा 2, 2 × 0 किया तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। प्लस लास्ट वाला आएगा तीसरा, 3, -1 × 1 किया तो ये आ जाएगा -1, -5 × 0 किया तो आंसर आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हो वैल्यू आ गई 12, माइनस ये वैल्यू आ गई 4, माइनस ये वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया, यानी आंसर आ जाएगा 5। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5। अभी आप चेक कर सकते हो दूसरा, मान लीजिए आप चेक करना चाहते हो वो फॉर्मूला कौन सा, कि दूसरे एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करें दूसरे कोफैक्टर को तो क्या आंसर 0 आता है क्या, अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया 1, ये तो मैंने लिया 1, मतलब इस कॉलम से मैं बात करूँगा, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहला एलिमेंट मैंने 1 लिया है, लेकिन मैं कोफैक्टर इसका लूँगा, तो इसका अगर मैं कोफैक्टर लूँगा तो इसका कोफैक्टर माइनस के साथ आएगा, तो एक तो आ जाएगा माइनस, इसको हटाया, आंसर आएगा 2 - 0 यानी 2, ठीक है। दूसरा वाला ये लेता हूँ एलिमेंट, तो ये मैंने 1 रखा, एलिमेंट मैंने 1 रखा है, कोफैक्टर मैं इसका लूँगा, दूसरी रो का कोफैक्टर लूँगा, तो कोफैक्टर अगर मैं इसका लूँगा तो इसका कोफैक्टर प्लस में आएगा कि माइनस में, तो आप देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, तो इसका कोफैक्टर प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया, आंसर आएगा 2 × 1, 3 × 0, तो आ जाएगा 2 × 1, 3 × 0, ठीक है। तीसरा मैंने कितना लिखा है, 0, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 लिखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसमें कुछ को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, देखिए यहाँ से आंसर आएगा -2, यहाँ से आंसर कितना आएगा +2, आंसर कितना आ गया 0। तो आराम से प्रूव कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है कि आप ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट एक और ले लेते हैं, तो वो आज देख लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ 5 1 3 2 1 5 0 1 7, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, इसी के करस्पॉन्डिंग ओपन कर देता हूँ, या फिर इसी के करस्पॉन्डिंग ओपन कर देता हूँ, कम से कम थोड़ी हेल्प तो अपन को मिल ही जाएगी। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा, 5 के साथ में ओपन किया, इधर से ओपन कर रहा हूँ, तो 5 के साथ में ओपन किया तो 5 तो प्लस होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा उसके लिए दोनों को हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ से बनेगा 7, यहाँ से बनेगा -5, दूसरा करेंगे तो आएगा -2, ये दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों को छोड़ा तो 7 और ये, यानी 7 - 3, और प्लस तीसरा तो 0 ही आ जाएगा, आंसर कितना मिलेगा, 5 × ये मिल जाएगा 2 - 2 × ये कितना मिल जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 10 - 8, यानी वैल्यू आएगी 2, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2, क्लियर है। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करना इसको। डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 1 3 5 2 0 1, -1 - 2, 7 3 2 0, -1 1 2 1, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, फटाफट सॉल्व करके भेज दीजिए, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है इतना, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से।